क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टीज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस, सेड द ट्रायंगुलर रीजन। अब इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये दी गई है x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास सेकंड इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इनको हमें क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद हमें ये बताना है कि जो x एक्सिस के साथ ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, और साथ ही साथ इसको सेड भी करना है। तो पहली इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू हमारी 0 हो गई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 1। हमने क्या किया, ये जो हमारा 1 था और y, इन दोनों को एक साइड में ले लिया और 1 वेरिएबल को इधर रहने दिया, तो x इज इक्वल टू y माइनस 1 हो गया। यहां से हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट हमने यहां पे y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं, y इज इक्वल टू अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर मैं y इज इक्वल टू 2, अगर y इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। और मैं अगर y की वैल्यू 3 पुट करता हूं यहां पे, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पहली इक्वेशन से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, 1, 0, 1, 1, 2 और 2, 3। ये हमारी पहली इक्वेशन से कोऑर्डिनेट आ गए। सेकंड इक्वेशन थी हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, यहां से 2y और माइनस 12 को इक्वल टू से इधर कर दिया, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में था ये अपॉन में चला गया। यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट की हमने, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 12 अपॉन 3, 3 से 12 कैंसिल, 3 4 जा 12, तो पहला कोऑर्डिनेट 4, 0। फिर हमने y इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट किया, तो 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, और 3 से 6 कैंसिल होगा तो 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर y इक्वल टू हमने 6 किया, 6 2 जा 12 माइनस 12 0, 3 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट मिल गए हैं 4, 0, 2, 3 और 0, 6। उसके बाद हमने क्या किया, इन कोऑर्डिनेट को हमें ग्राफ पे शो करना है। तो पहले हमारा है 0, 0, पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, पहली इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई प्लस 1, और इसके कोऑर्डिनेट 0, 1 है, यानी कि x पे 0 और y पे 1, तो 0, 1 हमारे कोऑर्डिनेट है पहला, तो ये आ जाएगा हमारा 0, 1, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, 1 ये वाला। उसके बाद सेकंड है 1, 2, x पे 1 और y पे 2, तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा ये आ गया 1, 2 पे, और थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारा 2, 3 हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड, और ये हमारी पहली इक्वेशन, ये लाइन हमारी पहली इक्वेशन की हो गई। उसके बाद सेकंड इक्वेशन थी 3x प्लस 2y माइनस 12, उसके कोऑर्डिनेट थे 4, 0, x पे 4 और y पे 0, सो 4, 0 हमारा कोऑर्डिनेट ये हो गया। 2, 3 ये वाला कॉमन ही है, और 0, 6 ये है। हमने इन कोऑर्डिनेट को मिलाकर लाइन बना देनी है, एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों लाइन ने इसने x कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे कट किया है, तो ये एक ट्रायंगल बना और ट्रायंगुलर रीजन हमारा ये हो गया। ये पूरा रीजन हमारा क्या है, ट्रायंगुलर रीजन है, और हमें बताने थे उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हमारे हो गए माइनस 1, 0, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 2, 3, और तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 4, 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।